नमस्कार। आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कमजोरियां या विफलताएं या इसकी आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। पहला है इसमें अवसरवादी और काम निकालने की नीति। पश्चिमी आलोचकों के अनुसार गुटनिरपेक्षता एक अवसरवाद और काम निकालने की नीति होकर रह गई है कि गुटनिरपेक्ष देश सिद्धांतहीन है कि साम्यवादी और गैर साम्यवादी गुटों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में दोहरी कसौटी का प्रयोग करते हैं और यह कि उनका ध्येय पश्चिमी और साम्यवादी दोनों गुटों से अधिक लाभ प्राप्त करने और जिसका पड़ला भारी हो उसके साथ मिल जाने का रहता है। दूसरा, सिद्धांत उपयुक्त किंतु अव्यवहारिक नीति। आलोचकों के अनुसार यह नीति सिद्धांत जितनी उपयुक्त है व्यवहारत उससे भिन्न है और सिद्धांत इसमें चाहे कितने ही गुण क्यों न हों व्यवहारत यह कई तरह से विफल हुई है। यह कहा जाता है कि जहाँ सिद्धांत के धरातल पर गुटनिरपेक्षता का ध्येय राष्ट्रों की स्वतंत्रता निश्चित करना है, व्यवहार के धरातल पर इनसे बहुत से गुटनिरपेक्ष देशों के संदर्भ में इस दायित्व को वस्तुतः निभाया नहीं है। उदाहरण के लिए पश्चिमी देशों की एक आलोचना यह है कि व्यवहारत गुटनिरपेक्ष ने साम्यवाद के प्रति सहानुभूति को छिपाने के लिए नकाब का काम किया है और इसका परिणाम होता है साम्यवादी गुट की अधीनता, जैसे अनुक्रमा के नेतृत्व में घाना, म्यांमार, क्यूबा। इस आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर एम एस राजन ने लिखा है कि अभी तक कोई गुटनिरपेक्ष राष्ट्र साम्यवादी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ। दूसरी ओर एक साम्यवादी राष्ट्र यूगोस्लाविया साम्यवादी गुट का साथ छोड़कर गुटनिरपेक्ष बन गया। तीसरा, बाह्य सहायता पर निर्भरता। गुटनिरपेक्ष देशों की एक विफलता यह बताई जाती है कि वे बाहरी आर्थिक और रक्षा सहायता पर बेहद निर्भर रहे हैं, किंतु वे दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में थे, इसलिए उन्होंने इतनी भारी आर्थिक और रक्षा सहायता लेने का रास्ता निकाल लिया और आज वे अपने सहज सामान्य कार्यान्वयन के लिए भी इस सहायता पर आश्रित हो गए। आलोचकों का तर्क यह है कि सच्ची गुटनिरपेक्षता आर्थिक आत्मनिर्भरता को तथ्य रूप में मानकर चलती है। यदि कोई राष्ट्र किसी तरह की सहायता के लिए किसी अन्य राष्ट्र या समूह पर बहुत आश्रित हो तो इसका मतलब है उस राष्ट्र की स्वतंत्रता की और गुटनिरपेक्षता को भी दांव पर लगा दिया गया। चौथा, इसमें गुटनिरपेक्षता की नीति किसी तरह सुरक्षा का साधन नहीं। आलोचकों का यह भी कहना है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र गुटनिरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते थे। यदि वे अत्यंत विशाल रक्षा व्यवस्था रखेंगे तो उनकी गुटनिरपेक्षता सुरक्षित नहीं रह पाएगी और यदि वे बाहर से सैनिक सहायता स्वीकार करेंगे तो उनकी गुटनिरपेक्षता का स्वरूप शुद्ध नहीं रह पाएगा। अक्टूबर 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण ने भारत के लोगों को यह अनुभव करा दिया कि वर्तमान राष्ट्र समाज में जो सर्वथा आदर्श नहीं है कोई भी चीज़ किसी देश की सुरक्षा का प्रमाण नहीं हो सकती। गुटनिरपेक्षता भी नहीं कि उपयुक्त सैनिक शक्ति रखने के साथ गुटनिरपेक्षता की कोई असंगति नहीं है और बाह्य आक्रमण से मुकाबला करने के लिए बाहर से सैनिक सहायता स्वीकार करना भी कोई गलत काम नहीं है। चीनी आक्रमण के दौरान भारत के लोगों ने यह भी अनुभव किया कि अन्य गुटनिरपेक्ष देशों में सबको भारत के साथ सहानुभूति नहीं थी, जबकि बहुत से ऐसे देशों ने जो पश्चिमी गुट के साथ बंधे थे या तो भारत के साथ सहानुभूति दिखाई या चीनी आक्रमण का मुकाबला करने में भारत को सहायता दी। गुटनिरपेक्षता के कुछ आलोचकों को लगा कि चीन के आक्रमण से उनका दृष्टिकोण एकदम सही सिद्ध हो गया कि गुटनिरपेक्षता किसी भी तरह की सुरक्षा का साधन नहीं है और इसलिए भारत को गुटनिरपेक्षता का त्याग कर देना चाहिए। यह तो ऐसे हुआ मानो गुटबंद होने से किसी राष्ट्र को पूरी तरह सुरक्षा मिल जाती। पांचवा, संकुचित नीति। विदेश नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे गुटनिरपेक्षता की नीति में बांधा नहीं जा सकता। गुटनिरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है। गुटों से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में है ही नहीं। सारी नीति गुटों की राजनीति के आसपास घूमती है। महाशक्ति गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहना ही इस नीति का मुख्य लक्षण बन जाता है। या तो गुटों में आपसी झगड़ों में पंच बनने की कोशिश करना या दोनों से अलग रहते हुए एक के केवल इतने समीप जाने का प्रयत्न करना कि दूसरा बुरा न माने और यदि दूसरे के बुरा मानने का डर हो तो पहले से नाप तोल कर दूर हटना या बारी बारी से पास जाना या दूर हटना
यही गुटनिरपेक्षता की शैली रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी की नीति। कतिपय आलोचक उसे ऊर्ध्व भूमि नीति, ऊर्ध्व मूल नीति कहते हैं, ऐसी नीति जिसकी जड़ें ऊपर हैं नीचे नहीं, अपने देश में नहीं, राष्ट्रहित उसके केंद्र में नहीं है, उससे राष्ट्रहित तो हो जाए ये अलग बात है, इसके केंद्र में नेतागिरी की भावना रही है। मोर का नाच, पाँव कितने ही कमजोर हों, गंदे भी, लेकिन पंख फैलाकर नाच होना चाहिए, दुनिया के मंचों पर नेतागिरी चमकनी चाहिए। सातवां, इस नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं। आलोचकों का कहना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में जो शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर चल रही है, हमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन करने में असमर्थ रहे। जब तक शीत युद्ध चलता रहा, दुनिया प्रमुख शिविरों में बटी रही। इन शिविरों ने भारत या मिस्र या यूगोस्लाविया के कहने से अपनी नीति में कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया। भारत के विरोध के बावजूद अमरीकी सेनाओं ने कोरिया में 38वीं अक्षांश रेखा को पार कर लिया। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। लेबलान में अमरीकी फौजें और हंगरी व चेकोस्लोवाकिया में सोवियत फौजें घुस गई। 1962 में क्यूबा के सवाल पर अमेरिका और सोवियत संघ में टक्कर होते होते बच गई, लेकिन उसका कारण गुटनिरपेक्ष देशों का दबाव नहीं था। पश्चिमी एशिया में चार बड़े अरब इसराइल युद्ध हो गए और गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका नगण्य रही। अफ्रीका और एशिया के देशों की उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए गुटनिरपेक्ष देशों ने पर्याप्त शब्द बल का प्रयोग किया, किंतु उनके स्वतंत्रता का श्रेय गुटनिरपेक्षता को देना घटनाओं की गलत व्याख्या करना होगा। अल्जीरिया, अंगोला, मोजाम्बिक जैसे देशों ने अपनी स्वतंत्रता खूनी युद्ध के द्वारा प्राप्त की और अन्य देशों से भी साम्राज्यवादी ताकतें अपनी अंदरूनी कमजोरियों और व्यवस्थाओं के कारण हटती रहीं। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन। कतिपय आलोचना का मत है कि विश्व व्यवस्था का जिसमें शक्ति नहीं है सद्भावना नियामक तत्व निर्माण करना तो दूर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने आप में ही बिखरने लगा। हवाला सम्मेलन 1979 की कार्रवाइयों से स्पष्ट हो गया कि संपूर्ण आंदोलन तीन खेमों में बट गया, एक क्यूबा में, अफगानिस्तान, वियतनाम, इथोपिया, दक्षिणी यमन जैसे सोवियत संघ परस्त देश थे, तो दूसरे में सोमालिया, सिंगापुर, जैरे, फिलीपींस, मोरक्को, मिस्र आदि अमरीकी परस्त, तीसरे खेमे में भारत, यूगोस्लाविया और श्रीलंका जैसे देश थे। यह बंटवारा इस बात का सबूत था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अपनी कोई दिशा नहीं रह गई है और वह महाशक्तियों के खिलवाड़ का प्रतिबिंब मात्र रह गया। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता भी नहीं पाई जाती। समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के विरुद्ध मोर्चाबंदी करना तो दूर, वे आपस में एक दूसरे की सहायता करने की भी कोई ठोस योजना नहीं बना सके। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र एक दूसरे का शोषण करने से ही बाज नहीं आते। तेल संपन्न राष्ट्रों ने अपने साथी विकासमान राष्ट्रों को भी किसी प्रकार की रियायत नहीं दी। अपनी जीवन पद्धतियों की रक्षा के लिए भी गुटनिरपेक्ष देश को संयुक्त रणनीति नहीं बना पाए। दसवां, गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित पैतरा मात्र है। आलोचकों का कहना है कि वास्तव में गुटनिरपेक्षता अपने आप में कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत, नेपाल और श्रीलंका जैसे लोकतांत्रिक देश हैं, तो मोरक्को, इथोपिया जैसे राजशाही देश भी रहे, वियतनाम, क्यूबा, लाओस जैसे कम्युनिस्ट देश हैं, तो फौजी तानाशाही वाले इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, घाना, उगांडा जैसे देश भी इसमें रहे। दूसरे शब्दों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लगभग 120 देशों में 10 भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक कहा जा सके। इन देशों की शासन पद्धतियाँ ही भिन्न भिन्न नहीं हैं, अपितु अर्थव्यवस्था के स्वरूप और समस्याएँ भी एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। कई गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में आपसी तनाव ने युद्ध का रूप धारण कर लिया है। अपने द्विपक्षीय मामलों को सम्मेलन में मर्च पर लाने से नहीं चूकते। यदि गुटनिरपेक्षता और कुछ एक नैतिक मूल्य एक दूसरे के पर्याप्त होते तो आज सम्मेलन का स्वरूप इतना विश्रृंखलित और आत्मविरोधी नहीं होता। आलोचकों का यह भी कहना है कि युद्ध या संकट के समय गुटनिरपेक्ष देश अकेला रह जाता है, जैसे चीनी आक्रमण के समय भारत रह गया था।
फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्ग इतना कुटिल है कि गुटनिरपेक्षता की माला जपते हुए भी राष्ट्रों ने अंदर ही अंदर गुटों से हाथ मिलाने की कोशिश की। 1971 में संपन्न भारत सोवियत संधि इसका प्रमाण है। मिस्र सोवियत और इराक सोवियत संधि भी इसी ढर्रे पर संपन्न की गई थी। सैन्य परामर्श और सैन्य सहायता के स्पष्ट प्रावधान इन संधियों में थे। थैंक यू।